नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट अच्छे से पढ़ लिया। अगर दोस्तों जो क्लासेस आपके लिए मैं बना रहा हूँ वो आप पूरी क्लासेस देखते हो, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ते हो, तो यकीन मानो कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इतने बेहतरीन तरीके से हमने किया है। आज जो क्लास होगी इसके अंदर देखना, आपको इतनी सारी प्रैक्टिस मैं करवाने वाला हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। यानी इस टॉपिक में से पांच पांच सात सात क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सरल है लेकिन इतना ही इंपॉर्टेंट भी है, है ना। एग्जाम के अंदर दो से तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल सरल तरीके से पूछे जाएंगे। अगर ये क्लासेज आप देख रहे हैं, रेगुलर देखेंगे, तो आपको पता भी चल जाएगा कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कर्मचय तथा संचय। देखो दोनों में नाम से ही स्पष्ट है कि कर्मचय यानी जिसमें कर्म का महत्व होगा, और संचय यानी केवल मात्र जो इनको एकत्रित करना, उनके तरीके बताना कि हाँ कितने तरीके होंगे। कर्म का कोई महत्व नहीं, कर्म चाहे किसी प्रकार हो। जैसे मान सकते हैं कर्मचय के अंदर कोई आपको संख्याएं बनानी है, जैसे एक दो तीन आपके पास है, संख्याएं लेनी है 12 23, ठीक है, ऐसा कुछ आप कर्मचय बना रहे हैं। तो देखो अगर आप इसका क्रम बदलते हैं 12 का क्रम, तो देखो 21 ये आपकी एक संख्या हो गई। देखो क्रम बदलने पर वैल्यू चेंज हो रही है ना, जैसे यहां पर अगर करो 32 हो गया। तो देखो जैसे क्रम का महत्व कहां पर है, संख्याएं बना रहे हो उनमें क्रम का महत्व होता है। लेकिन जैसे आप कोई टीम बना रहे हैं, टीम जैसे 15 खिलाड़ियों की टीम बन रही है, ठीक है, मान लो 15 खिलाड़ी आपको चयन करने हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले किसी खिलाड़ी को ले रहे हैं, दोबारा कौन से खिलाड़ी को ले रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको 15 खिलाड़ी लेने हैं। अब देखो मान लो पहले आपने रोहित शर्मा को ले लिया और फिर विराट कोहली को लिया, ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। चाहे आप पहले विराट कोहली को ले लो, दोनों का चयन तो 15 में हो रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप रोहित शर्मा को पहले ले लो या केएल राहुल को ले लो, तो कोई फर्क नहीं है इसमें। क्या कोई इसमें नाराज थोड़ी ना होंगे कि मुझे इसके बाद लिया है, उससे पहले लिया, भारतीय टीम में चयन होना ही बड़ी बात है, तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहां पर देखो क्रम बदलोगी तो 12 है, लेकिन यहां पर क्रम बदला तो 21 हो गया। लेकिन कर्मचय में नाम से स्पष्ट है क्रम का महत्व होगा, और संचय के अंदर केवल मात्र आपको तरीके बताने हैं कि हाँ उसको संचय के कितने तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसके अंदर तरीके कम हो जाएंगे, इसके अंदर देखो कर्म का महत्व है तो तरीके ज्यादा हो जाएंगे, ये पढ़ने वाले हैं। लेकिन कर्मचय संचय से पहले एक सिद्धांत आता है, गणना का आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल लॉ, तो ये पढ़ते हैं सबसे पहले अपन। गणना का आधारभूत सिद्धांत, गणना का, और इसके नोट्स दोस्तों जरूर से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि पूरी मेहनत के साथ मैंने ये बनाए हैं नोट्स, और आपको ये नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको। सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि सर सेकंड पेपर की तो आप तैयारी करवा रहे हैं, फर्स्ट पेपर की तैयारी कहाँ से करें। तो आपके लिए एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आ गया हूँ, जैसा कि आपने नाम सुना होगा अन अकेडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अनअकैडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करो, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपने आरपीएससी सिलेक्ट कर दिया, तो देखो इसका प्लस पॉइंट मुझे ये लगा कि आपने कोई भी एक कोर्स परचेज किया है तो उससे आप प्रत्येक टीचर से पढ़ सकते हैं, जो भी बेंचेज चल रहे हैं उनमें ज्वाइन हो सकते हैं, टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, स्कॉलरशिप आपको मिलती है, तो बहुत सारा मैटर, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको फिर फ्री मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। तो अभी जाकर अनअकैडमी डाउनलोड कीजिए, और यहाँ पर आपको लेटेस्ट बेंच भी दिखाई दे रहे हैं, हर प्रकार के बेंचेज आपको मिल रहे हैं। और दोस्तों अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो अगर आप ये मेरा कोड लगाते हैं, जैसा कि कोड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा GBK10, तो आपको 10% डिस्काउंट भी उसमें से मिल जाएगा, और लेटेस्ट ऑफर यहाँ पर आते रहते हैं। तो अनअकैडमी आज ही डाउनलोड कर लो, और ये कोड जरूर लगाना, जब भी कोई कोर्स परचेज करो तो आपको 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से वहां पर मिल जाएगा। तो चलिए आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये नोट्स आप जरूर से डाउनलोड कीजिएगा। गणना का मूलभूत सिद्धांत, इंग्लिश में कहेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, यानी गणनाएं करनी है आपको, तरीके बताने हैं
कि इसके तरीके कितने होंगे। कोई घटना है, मान लीजिए आपको कोई घटना दी है, इसके अंदर दो सिद्धांत होंगे, एक तो गुणन का सिद्धांत और दूसरा है योग का सिद्धांत। मान लीजिए कोई घटना है आपके पास ए और बी, ठीक है, अभी एग्जांपल से भी समझेंगे अपन, और या कोई कार्य हो सकता है, तो उसके घटित होने के तरीके मान लीजिए ए के अम तरीके हैं तथा बी के अम तरीके, यानी ए है वो अम तरीकों द्वारा घटित होता है और बी है आपका अम तरीकों से। अगर आपको यहां पर गुणन का सिद्धांत कब लागू होगा, यानी दोनों में अम क्रॉस अन कब आएगा, जब आपको देखो कब एम क्रॉस एन ए और बी में और एम तथा अन इसकी जो घटनाएं हैं कितनी तरीकों से घट रहा है, यानी अलग अलग तरीकों से घटता जाएगा। अभी हम एग्जांपल करेंगे इसका, तो गुणन सिद्धांत में एम क्रॉस एन होगा, यानी जहां पर आपको ऐसा कह दें कि ए और बी, जहां पर ए और या तथा बी आ जाए, ए और बी के घटित होने के कुल तरीके ऐसा पूछा जाए, होने के कुल तरीके, तो आप करोगे देखो इनकी कितने हैं एम तथा एन, एम क्रॉस एन, लेकिन ऐसा आ जाए विकल्प के रूप में ए या बी, यानी दोनों में से कोई एक ए या बी के घटित होने के तरीके, तो देखो या आ गया तो वहां पर दोनों का योग हो जाएगा एम प्लस एन। अभी हम बात करने वाले हैं इस पर, तो दो सिद्धांत हैं गणना के मूलभूत सिद्धांत हैं जिन्हें आप कहोगे। पहला है गुणन का सिद्धांत, जिसके अंदर क्या होगा, जो घटनाएं हैं ए और बी एम और एन तरीकों से घटित हो रही है। गुणन के सिद्धांत में देखो घटित होने के तरीके एम क्रॉस एन होंगे, क्योंकि देखो यहां पर और तथा जहां पर मिले आपको कि पूछ रहा है कि इन दोनों के कितने तरीकों से घटित हो सकता है, अभी मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा अभी। और योग यानी ए या बी ऐसे आपको मिले कि हाँ ए या बी के घटित होने के, तो या का मतलब आपको पता है जोड़ और का मतलब होता है गुणा, जैसे आपने यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ा था ठीक उसी प्रकार। तो एक बार इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिख लो, जो लिखना चाहता है एक बार इसको लिख लो, ठीक है, लिख लिया होगा ना। अब देखो एग्जांपल कराता हूं आपको मैं एक, ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल, जैसे एग्जांपल है यानी ये दो सिद्धांत आपको याद रखने हैं, फिर इसके बाद क्रमचय संचय स्टार्ट होगा। जैसे कोई एक बच्चा है, ठीक है, उसके पास देखना दो टिफिन है, टिफिन, ठीक है, तीन पानी की बोतल, मान लेते हैं टिफिन को T1, T2, दो टिफिन हो गए, पानी की बोतल B1, B2, B3। अब देखना अगर ऐसा कहे कैसा कि एक टिफिन और एक पानी की बोतल ले जाने के तरीके, यानी स्कूल में ऐसा तो थोड़े ना कि सारी बोतल ले जाएगा, उसके पास घर में इतनी है, दो टिफिन है और तीन पानी की बोतल है। अगर वह ऐसा कहता है एक टिफिन और एक पानी की बोतल ले जाएगा, एक टिफिन तथा एक पानी की बोतल ले जाने के कुल तरीके बताओ कि कितने तरीके हो सकते हैं। देखो क्वेश्चन है कि एक टिफिन तथा एक पानी की बोतल ले जाने के कुल तरीके बताओ। देखो यहां से समझते हैं इस बात को, फिर ये गुणन सिद्धांत हम लगाएंगे। तो देखो पहला ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ये पहला टिफिन ले जाए और पहली पानी की बोतल ले जाए, एक संभावना बन गई। दूसरी, पहला टिफिन दूसरी पानी की बोतल ले जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी है। तीसरी क्या कि पहला टिफिन और तीसरी पानी की बोतल, तीन ये बन गई। अब देखो पहला टिफिन नहीं, अब क्या ले जा सकता है, दूसरा टिफिन पहला पानी की बोतल, दूसरा टिफिन दूसरी पानी की बोतल, दूसरा टिफिन और तीसरी पानी की बोतल, यानी पहला टिफिन ले जाए और साथ में पानी की बोतल,
B1 प्रकार की बोतल ले जाए और ये T1 टिफिन ले जाए। तो इस प्रकार से टोटल गिनेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, टोटल 6 तरीके। और मैंने कहा कि टिफिन तथा या फिर एक पानी और एक टिफिन ऐसा और आ जाए तो वहां पर गुणन सिद्धांत लगेगा। गुणन का मतलब m क्रॉस n। तो पहली संभावना कितनी बनती है कि देखो एक टिफिन, m क्या है टिफिन, कितने हैं टिफिन 2 और बोतल कितनी है 3, ये 6। ये हो गया ना कि जितने यहां पर दे रखे हैं कितनी संभावना है, 2 आपको टिफिन दे रखे हैं और 3 आपको पानी की बोतल दे रखी है। तो कितने टोटल तरीकों से, 6 तरीकों से। अगर ऐसा ही यहां पर पूछ लिया जाता कि एक टिफिन, ध्यान से सुनो इन चीजों को, एक टिफिन तथा एक टिफिन या एक पानी की बोतल, अब क्या कर रहा है वो, या तो वो टिफिन ले जाए या फिर पानी की बोतल ले जाए, या तो वो टिफिन ले जाए या फिर पानी की बोतल, यानी टिफिन ले गया तो पानी की बोतल नहीं, और जिस दिन पानी की बोतल ले गया उस दिन खाना नहीं मिलेगा, पानी पानी पिएगा, और जिस दिन खाना ले गया उस दिन पानी नहीं पिएगा। ये है, यानी एक बार में एक चीज ही ले जा सकता है, तो यानी या तो टिफिन ले जा सकता है या फिर पानी की बोतल, यही संभावना है। तो टिफिन कितने तरीकों से ले जाया जा सकता है, पहला टिफिन ले जाए, दूसरा ले जाए 2, और यहां पर अगर पानी की बोतल देखें तो 3 तरीके हैं, 1 2 3। तो टोटल कितने हो गए, 2 + 3 5। और अगर हम गुणन सिद्धांत से देखें तो भी देखो यहां पर 2 और 3, यानी m + n वाली प्रॉपर्टी यहां पर लग जाएगी, m + n वाली, यानी 2 + 3 = 5। तो ये आपके कितने हो गए तरीके हो गए, कब, ये जब आप एक टिफिन तथा एक पानी की बोतल लेके जा रहे हैं, एक टिफिन तथा एक पानी की बोतल अगर आप ले जा रहे हैं तो ये आपके तरीके होंगे। समझ में आ गया क्या, गुणन सिद्धांत वगैरह सिंपल से है, ठीक है। एक एग्जांपल और मैं इसमें आपको ऐड करता हूं ताकि आप उसको भी समझाएं। अब देखो ऐसा ही कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास 4 शर्ट हैं तथा 3 कोट हैं, ठीक है, यही शर्ट है। तो मान लीजिए शर्ट को आप S1, S2, S3, S4, ठीक है, कोट है 3, कोट को आप C1 से C2, C3। अब देखो या तो एक शर्ट तथा एक कोट यही पहनेगा ना, साथ में चारों कोट थोड़ी ना पहनेगा। तरीके तो है कि एक शर्ट तथा एक कोट पहनने के तरीके, या इसे कह सकते हैं एक शर्ट और एक कोट पहनने के तरीके। एक शर्ट, क्वेश्चन है कि एक शर्ट और एक कोट पहनने के तरीके, एक शर्ट और एक कोट पहनने के तरीके कितने हो सकते हैं, एक शर्ट और एक कोट पहनने के तरीके। अगर आप डायरेक्ट देखो गुणन सिद्धांत लगेगा, m क्रॉस n लगेगा, m की वैल्यू कितनी है 4 और C1 C2 ये कितने हैं 3। तो यानी टोटल 12 तरीके हो सकते हैं। कैसे, मान लो कि वो पहले दिन ये पहली शर्ट और पहला कोट पहन जाए, पहली शर्ट दूसरा कोट पहन ले, पहली शर्ट तीसरा कोट पहन ले, इसके अंदर दूसरा शर्ट और पहला कोट, दूसरा शर्ट दूसरा कोट, दूसरा शर्ट तीसरा कोट, ऐसा ही इसके साथ, यानी प्रत्येक की 3-3 पॉसिबिलिटीज है ना, 3 3 3 4 12, टोटल 12 हो गए। तो यानी यहां पर टोटल 12 संभावना बनेगी कि एक व्यक्ति एक शर्ट और एक कोट पहनकर जाए। अगर मैं ऐसा पूछ लूं एक शर्ट या एक कोट, एक शर्ट यानी अब विकल्प हो गया, या तो वह शर्ट पहन रहा है या फिर वह कोट पहन रहा है, यानी एक शर्ट या फिर एक कोट, एक शर्ट या एक कोट पहनने के तरीके, एक शर्ट या एक कोट। तो यानी अब ये जुड़ जाएंगी, देखो या तो ये पहन सकता है, शर्ट पहन लिया तो कोट नहीं पहनेगा, देखो ये शर्ट पहन ली, मान लीजिए चार तरीकों से, पहले दिन ये शर्ट, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, तो ये 4 पॉसिबिलिटीज है और 3 अलग वो हो गई, तो 4 और 3 7, यानी 4 + 3 = 7। तो ये है आपके गुणन सिद्धांत, या जिसे आप कह सकते हैं आपका एक जो एक गुणन सिद्धांत हो गया, एक योग सिद्धांत हो गया। तो गुणन सिद्धांत कहाँ पर लगेगा, एक नोट लगाकर बात लिख दो, बाकी नोट्स आपको प्रॉपर नोट्स अच्छे तरीके से, क्योंकि दोस्तों पूरी मेहनत के साथ ये नोट्स क्रिएट कर रहा हूँ मैं आपके लिए,
यानी इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत, जितने भी आपके मेरे पास बुकें हैं, चार चार पांच पांच बुकें हैं, आपको उनमें से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, आपकी एनसीईआरटी आरबीएससी उन बुकों में से क्वेश्चन पिकअप करता हूँ, तो बहुत सारे आपकी प्रैक्टिस के लिए मैटर यहाँ पर है, मैं एकत्रित कर रखा है। तो ये नोट्स आप ज़रूर से डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रत्येक नोट्स आपको डाउनलोड करना है। तो ये तो हो गया आपका गणना के सिद्धांत। तो एक नोट लगाकर क्या बात लिखनी थी, मैंने बोला था ना, नोट लगाकर ये बात है कि यदि दो आप मान लीजिए ए और बी आए, ए और बी, तो उसमें गुणन सिद्धांत लगेगा एम क्रॉस एन। अगर ऐसा है ए या बी, यानी या आ जाए और आ जाए, दोनों में अलग अलग चीज होगी ना, या में तो विकल्प हो गया, यानी आपको बता दिया ए या, यानी कोट या शर्ट, तो विकल्प है, या तो कोट पहन सकता है या फिर शर्ट पहन सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि कोट और शर्ट यानी दोनों चीजें पहनेगा, लेकिन एक कोट और एक शर्ट पहनने के तरीके। तो ये आपका है गुणन सिद्धांत। और इसमें से अब देखो इंपॉर्टेंट चीजें, अब यहां से जो हम चीजें पढ़ेंगे आगे वो आपके लिए सरल होती जाएगी, तो लिख लो इसको। फिर आगे हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्रमचेवाड़ा। लिख लिया क्या? चलो आता है टॉपिक अपना क्रमचय या संचय, ठीक है, यानी परम्यूटेशन इंग्लिश में कहेंगे आप, क्रमचय। अब देखो क्या होता है, अब हम बात करेंगे क्रमचय और संचय के बारे में, और दूसरा है संचय कॉम्बिनेशन। देखो यहां पर ये क्या होगा, कर्मयुक्त चयन, कर्म का महत्व तो होगा इसके अंदर, लेकिन संचय में केवल चयन होगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं, केवल चयन, मान लो आपके पास ये तीन अंक हैं, 1 2 3, ये तीन अंक हैं। अब देखो इनको लेकर आपको बनाना है, तो सबसे पहले क्रमचय क्या बनेगा, क्रमचय देखना 1 2 बनेगा, यानी संख्याएं बना रहे हैं इससे हम, देखो 1 2, तो देखो इसका उल्टा, ये भी तो बनेगा, यानी पहला दूसरे के साथ, तो ये 2 1 भी बनेगा, 1 3 तो 3 1 भी बनेगा, ठीक है, और दूसरा 2 3 और ये बनेगा 3 2, तो ये टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 6। ये क्रमचय है क्रम में, लेकिन केवल चयन यानी संचय पूछा जाएगा, संचय में क्या होगा, केवल चयन करना है, यानी कोई रहना नहीं चाहिए 1 2, तो कर्म का कोई महत्व नहीं है, 1 2 डायरेक्ट 2 3 और 1 3, बस ये तीन पॉसिबिलिटीज इसके अंदर बनेगी, तीन, इसके अंदर कितनी बनी है, 6 संभावनाएं। लेकिन इसके अंदर केवल मात्र, अगर क्रमचय की संचय की बात करें, अगर संचय हो रहा है तो वहां पर केवल मात्र चयन करना है, कर्म का कोई महत्व नहीं है, तो यहां पर केवल मात्र चयन होगा। जैसे एग्जाम्पल हम बात करें, क्रमचय के अंदर क्या क्या चीजें आएगी पूछ लिया जा सकता है। क्रमचय के अंदर मान लो अंकों से संख्याओं का निर्माण, अब देखो अंकों से हमने संख्याएं बनाई, 12 21 13 31 23, तो ये संख्याएं हैं, अंकों से संख्या बनाना, शब्दों से अक्षर बनाना, सॉरी है, अक्षर से शब्द बनाना, अक्षर से शब्द बनाना क्रमचय में ये चीजें प्रयुक्त होगी। अंकों से संख्याएं बना रहे हैं आप, तो उसमें क्रम का महत्व होगा, अक्षरों से शब्द बना रहे हैं तो उसके अंदर भी क्रम महत्व होगा। लेकिन संचय के अंदर देखो, संचय के अंदर कोई टीम बना रहे हैं आप, टीम बनाना, अब कोई, मैंने आपको अभी बताया था ना, टीम बना रहे हैं, तो टीम के अंदर कोई क्रम का महत्व नहीं है, क्या पहले किसी भी खिलाड़ी को ले सकते हैं, मान लीजिए आपने पहले अभी बताया मैंने विराट कोहली को लिया, दूसरा आपने रोहित शर्मा को लिया, ठीक है, और बुमराह को लिया, ठीक है, ये है, तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि आपने पहले इनको ले लिया,
इसमें से पहले आपने विराट कोहली का नाम सजेस्ट किया और दोबारा रोहित शर्मा का, तो ऐसा नाराज थोड़ी ना होंगे कि उसने पहले मेरा नाम आना चाहिए था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप पहले विराट कोहली को लो, रोहित शर्मा को लो, आपको तो टीम लेनी है, 15 सदस्यीय खिलाड़ी आप ले रहे हैं, तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले विराट कोहली लो या फिर रोहित शर्मा लो। लेकिन इसके अंदर फर्क पड़ जाएगा अगर आप पहले इसको लिया, अब क्रम नहीं बदलोगे। देखो यहां पर अब तो 21 हो गया, ये 12 था, तो यहां पर फर्क पड़ गया क्रमचय के अंदर। लेकिन संचय के अंदर कोई टीम बना रहे हैं या फिर कोई कमेटी बना रहे हैं, समिति बना रहे हैं, तो कमेटी, टीम या फिर कोई समिति बना रहे हैं, तो उसके अंदर संचय होगा। लेकिन क्रमचय किसके अंदर होगा, जहां पर आप अंकों से संख्या बना रहे हैं, अक्षर से शब्द बना रहे हैं, तो वहां पर आपके क्रमचय होगा और यहां पर संचय प्रयुक्त होगा, क्योंकि यहां पर संचय के अंदर क्रम का महत्व नहीं है। देखो छोटी छोटी बातें ये ध्यान रखनी है कि इसके अंदर क्रम का महत्व नहीं होता, लेकिन इसके अंदर क्रम का महत्व होता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल करते हैं अपन, क्रमचय पहले पढ़ेंगे अपन। अब हम क्रमचय स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें बहुत सारी चीजें बनेगी, 3-4 लेक्चर के अंदर ये क्रमचय कंप्लीट होगा, फिर 1-2 क्लास के अंदर संचय होगा, तो लगभग 5-6 क्लासेस इसमें होने वाली हैं क्रमचय संचय की। क्रमचय परम्यूटेशन, अब देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, फिर आपको सिखाता हूं कि कैसे करना है, 3-4 तरीके आएंगे। अब देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि कोई आपको दे दिया, शब्द दिया है रोज, ठीक है, रोज शब्द दिया है और इसके अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों, यानी देखो रोज दिया है और 4 अक्षरों वाले शब्द आपको बनाने हैं, अक्षरों वाले शब्द, और ऐसा नहीं है कुछ भी आप बना सकते हैं, क्वेश्चन में लिखा होगा अर्थपूर्ण, अर्थहीन, चाहे अर्थ निकले या न निकले, इनका आप कितने ऐसे शब्द बना सकते हैं, रोज शब्द को लेकर कैसे बन सकते हैं। देखो आप आर को मान लीजिए, आर को यहां पर पहले ले लिया, पहला रोज बन गया, ठीक है, पहले ही। दूसरे में क्या करोगे आप, ओ को आगे ले आओ, एस ओ ई, ये बन गया, आर ई को ले आओ, एस ओ, ठीक है, ऐसे अब ई को, आर को इधर ले जाओ, ई आर एस ओ, ऐसे कितने भी शब्द बन सकते हैं, ई एस आर ओ, देखो ये आगे बदलते जाओ, तो ऐसे शब्द बताने हैं कि कितने बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहला एक तरीका आपको मैं बताता हूं अब, देखो कैसे, तो सबसे पहला काम, देखो आपने पहले पढ़ा ही होगा, तो सबसे पहले देखो जितने शब्द बनाने हैं, ठीक है, धीरे धीरे, एक बार ये सिंपल लेवल है, धीरे धीरे इसमें प्रतिबंध लागू होंगे कि आपको कोई अक्षर दे दे तो उसके अंदर कोई अंक दे दे तो सम संख्याएं बनाओ, या फिर कोई 2 शब्द आपको पर्टिकुलर दे सकता है कि 2 शब्द साथ में रहे, 2 शब्द समान आ सकते हैं, यानी 2 ओ आ जाए, तो वो पॉसिबिलिटीज धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, वहां पर आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे कठिनाई का स्तर क्वेश्चन का बढ़ेगा, उस प्रकार से हम चीजें, प्रत्येक चीज हम हल करते जाएंगे, तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा। एक बार सिंपल लेवल से ये शुरुआत हो रही है ताकि सबको समझ में आ जाए। अब देखो 4 शब्द 4 अक्षरों वाले बनाने हैं, यहां पर आपको 5 अक्षर भी दे सकता था और 4 अक्षर बनवा सकता है, ठीक है, तो देखो कैसे, रोज से 4 शब्द 4 अक्षर हैं, तो देखो पहले अगर मैं पहला अक्षर लिखता हूं इसके अंदर, तो यहां पर कितने अक्षर में से पहला अक्षर मैं चयन कर सकता हूं, कितने आपके पास, 4 4, और के लिए मैंने कहा ना और आएगा, यहां पर और आएगा तो और के लिए क्या होगा, गुणा, ये बात ध्यान रखना। अब देखो ये पहला अक्षर आपने फिल कर दिया, अब आपके पास कितने बचे हैं, 3, और 3, ये 3 अक्षर भरने हैं। अब इस अक्षर, इसमें, इस बॉक्स में आपको अक्षर लाना है, तो देखो एक बॉक्स तो इनमें से आपने कोई फिक्स कर दिया, 4 में से, ठीक है, 4 में से 1 अक्षर यहां फिक्स हो गया, चाहे वो आर हो, ओ, एस, ई, 4ों में से, देखो 4 पॉसिबिलिटीज हैं यहां पर भरने की, तो 4ों में से 1 अक्षर आपने फिल कर दिया, कोई सा भी करें, ठीक है, 1 अक्षर फिल कर दिया। अब देखो 1 अक्षर मान लीजिए कोई भी कम किया है, तो 1 अक्षर कम हो गया ना आपका, तो इसके अंदर कितने आएंगे, 3, आगे वाले के अंदर अब 2 बचे हैं तो 2, और आगे वाले के अंदर 1 बचा है, तो टोटल कितनी संभावना बन गई, 4 3 12 12 2 24, ठीक है, यानी 24 संभावनाएं बन गई। ये कब है, जब आपको ऐसा कहा है कि इसमें पुनरावृत्ति आप नहीं कर सकते, यानी 1 अक्षर आपने भर दिया, उसके बाद आप उसको दोबारा नहीं लिख सकते। एक मिनट, लाइट थोड़ी ज्यादा होगी इसके,
ये कब है? जब पुनरावृत्ति आप नहीं कर सकते, यानी एक अक्षर आपने भर दिया उसके बाद उस अक्षर का आप प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा दे देते आपको कि पुनरावृत्ति की अनुमति हो, पुनरावृत्ति की अनुमति, यानी पुनरावृत्ति आप अक्षर एक अक्षर भर दिया दोबारा आप भर सकते हैं। तो देखो कितनी संभावनाएं बनेगी इसमें, ये चार हो गए, तो देखो चार यहां पर एक अक्षर भर दिया आपने, लेकिन पुनरावृत्ति कर सकते हैं, चारों का दोबारा प्रयोग करोगे तो गुणा चार, फिर गुणा चार, चार बनाने हैं तो ये चार से गुणा हो जाएगा, यानी टोटल कितना आ गया आपके पास 16, 64 और 256, ठीक है, चार की पावर चार यानी 256, तो ये 256 बन गया। लेकिन आप पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, अक्षर यानी एक अक्षर आपने फिक्स कर दिया उसके बाद आप उसे दोहरा नहीं सकते, तो वहां पर केवल मात्र 24 पॉसिबिलिटीज बनेगी, लेकिन अगर आप पुनरावृत्ति करते हैं तो 256 संभावनाएं आपके पास बन जाएंगी। कोई सा भी आप शब्द ले सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, टाइगर शब्द है कोई, ठीक है, टाइगर शब्द, टाइगर शब्द है तो इसमें आप कितने चार अक्षरों के, देखो यहां पर पांच है तो कितने चार अक्षरों के शब्द बना सकते हैं यदि पुनरावृत्ति की, देखो ये ध्यान रखना है, अगर कुछ ना दे आपको ऐसा क्वेश्चन के अंदर ना दे पुनरावृत्ति की अनुमति है नहीं है, तो आपको यही मानना है कि पुनरावृत्ति आप नहीं कर सकते, लेकिन दे स्पेशल में तो आपको वो प्रतिबंध लागू होगा। तो आपको सबसे पहले यहां पर कह दिया कि चार अक्षरों की शब्द बना सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर मतलब पुनरावृत्ति अनुमति नहीं है, तो देखो चार अक्षर बनाने हैं, ठीक है, चार ऐसे बक्स बना लो, और भी अलग अलग तरीके बताऊंगा आपको, अभी फैक्टोरियल से निकालना सिखाऊंगा, अभी जो फैक्टोरियल आएगा, अभी आपने फैक्टोरियल सीखा ही नहीं। देखो टाइगर है, इसके अंदर कितने शब्द हो गए, एक दो, पहले गिन लिया करो कितने शब्द है, टोटल पांच है, तो पहले में यहां पर कितने, जो पहला अक्षर आप भरोगे, पहला कोई भी अक्षर आप प्रथम अक्षर का चयन करोगे तो वो कितने में से ले सकते हो, पांच में से, दूसरा एक अक्षर फिक्स हो गया और पुनरावृत्ति अनुमति नहीं है तो दूसरा चार में से और गुणा में आएगा, तीसरा फिर तीन अक्षर बचे हैं और ये फिर दो अक्षर, तो पांच चार तीन दो और इनका गुणा करोगे तो आपके पास 120 रिजल्ट आ गया। अगर मैं यहां पर कहता कि पुनरावृत्ति की अनुमति है, यानी आप कोई जो अक्षर आपने लिया है वो दोबारा भी आप उसका यूज कर सकते हैं, तो ऐसे कितने बनेंगे, देखो यूज कर सकते हैं तो पांच पांच, देखो हर अक्षर दोबारा उपयोग हो रहा है तो ये इसकी स्क्वेयर होती जाएगी यानी 625। यहां पुनरावृत्ति नहीं करते हैं तो 120 बनते हैं, लेकिन आप पुनरावृत्ति करते हैं तो आपको 625 शब्द बन सकते हैं आपके, यानी दोबारा आप उनका उपयोग कर रहे हैं। तो ये है आपका, शुरुआत है अभी इसकी, और भी क्वेश्चन करेंगे अपन, जैसे अभी मैं आपको एक अंकों वाला देता हूं, ठीक है, अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, धीरे धीरे लेवल अपना हाई होता जाएगा। एक बार तो ये सिंपल चीजें आपको बताई हैं, अब देखो आगे आगे नई नई चीजें आती जाएंगी। अब देखो अभी हमने क्या कि मान लो आपने टाइगर शब्द यूज किया, ठीक है, और आपने उपयोग क्या किया कि चार पांच अक्षरों का शब्द आपको बनाना है इस बार, ठीक है, पांच अक्षर बनाने हैं तो यहां पर क्या आएगा, पांच, देखो चार तीन दो और एक, ऐसा है ना, पांच चार तीन दो एक, तो आप देखो लगातार वैल्यू देख के कम हो रही है, पांच चार तीन दो एक, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका आप इसे फैक्टोरियल कह सकते हैं, देखो ऐसा साइन होता है, या फिर आप ऐसा भी पांच फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, देखो यहां पर फैक्टोरियल पांच फैक्टोरियल दे दिया तो इसका मतलब ये है पांच चार तीन दो एक, ठीक है, अगर यहां पर आपको दे दे चार फैक्टोरियल तो इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है वहां से स्टार्ट करना है और एक तक जाना है। अगर आपसे कह दे छह फैक्टोरियल तो छह पांच चार तीन दो एक, अगर आपसे कह दें सात फैक्टोरियल तो क्या कहोगे, सात छह पांच चार तीन दो एक, कुछ भी कह सकता है। आपको कह दें पंद्रह फैक्टोरियल, फैक्टोरियल पंद्रह तो क्या करोगे, पंद्रह चौदह बारह ग्यारह दस नौ आठ सात छ पांच चार तीन दो एक। अब आपसे कह दे अन फैक्टोरियल की वैल्यू, फैक्टोरियल अन, तो इसका मतलब
एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, और ऐसे ऐसे ये आगे आगे बढ़ता जाएगा जब तक एक नहीं आएगा। तो ये है फैक्टोरियल, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर दे रखी है क्रम वाइज ये घटती जा रही है एक एक नंबर, तो ये आप इसे फैक्टोरियल रूप से व्यक्त कर सकते हैं। इसे आप क्रमित गुणित क्रम गुणित संकेत या फैक्टोरियल नोटेशन, इसे फैक्टोरियल, दो साइन है फैक्टोरियल के, एक तो ऐसा ये साइन और एक ये आपका साइन, तो दो साइन है फैक्टोरियल के, ठीक है, समझ गए बात को। अब इसके चीज़ें करेंगे हम, तो देखो इसकी वैल्यूज आपको थोड़ी सी गुणा करोगे तो 120 होगी ना, ये 720, ये 24 हो गई, ये 720 हो गई, तो ऐसे वैल्यूज आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी चाहिए इनकी क्या होती है। बाकी देखो ज़्यादा काम में नहीं आएगी, आप गुणा भी कर सकते हैं इसी तरीके से, बेवजह की चीज़ें आप नए याद करो तो ही ठीक है। तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्रमचे के प्रकार। देखो दो प्रकार के क्रमचे आएंगे आपके, एक होगा रेखीय क्रमचे, रेखीय क्रमचे यानी लीनियर परम्यूटेशन, और एक होगा आपका नंबर एक पर, दूसरा है वृत्तीय क्रमचे, वृत्तीय, एक तो रेखा के रूप में क्रमचे, सर्कुलर परम्यूटेशन। देखो अभी हमने पढ़ा रेखा के अंदर वाले कि आप कितने शब्द बना सकते हैं, तो शब्द क्या थे, एक लाइन के अंदर, जैसे आपने यहां पर फिल किया कि हाँ इसमें से पांच में से आएगा, ये चार में से आया, ये तीन में से आया, तो ये रेखा के अंदर था। अंकों का निर्माण करना, जैसे एक दो तीन चार पांच आप लेकर अंकों का निर्माण कर रहे हैं, तो वो भी एक लाइन के अंदर था, तो ये तो होगा रेखीय क्रमचे। अभी हम इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। और वृत्तीय क्रमचे यानी आपने पढ़ा है कि किसी पांच व्यक्तियों को गोल मेज के चारों तरफ बिठाने के तरीके, गोल मेज के चारों तरफ बढ़ाते हैं, तो वो क्या हो गया वर्तीय, वर्त के रूप में आप बिठा रहे हैं उनको, तो ऐसा क्रमचे वर्तीय क्रमचे होगा। दोनों पढ़ेंगे, दोनों में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनती है, रेखीय क्रमचे तथा वर्तीय क्रमचे के अंदर। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपना रेखीय क्रमचे, यानी दी गई जो आपको वस्तु है लैंग्वेज के रूप में, दी गई वस्तुओं को एक रेखा के रूप में व्यवस्थित करने के कुल तरीके, कि एक रेखा के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो उसके कितने कुल तरीके बनते हैं, तो वह आपका क्रमचे क्या कहलाएगा, रेखीय क्रमचे कहलाएगा, लीनियर परम्यूटेशन कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे, क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, देखना। अब फैक्टोरियल पढ़ लिया आपने, अब रेखीय क्रमचे हम पढ़ रहे हैं, तो रेखीय क्रमचे के सूत्र देखना, अब कुछ सूत्र है गणना सूत्र आपके, कुछ गणना सूत्र होंगे, यानी आपने जो पढ़ा है उसमें कुछ गणना के सूत्र आएंगे, कुछ सूत्र आपको याद रखने हैं कि अगर आप अन्य वस्तुओं में से आर वस्तुओं को, अन्य वस्तुओं में से, वस्तुओं में से आर वस्तुओं का चयन कर रहे हैं, वस्तुओं का चयन तो किस हिसाब से करेंगे, यानी आपके पास अभी हमने दो टाइगर वाला एग्जाम्पल किया था, देखो अभी लिखता हूं मैं टाइगर, ये आपने क्या पांच वस्तुएं हैं इनमें से, और आप कह रहे हैं कि चार शब्दों के कितने बना सकते हैं आप, तो देखो आपने क्या किया, यहां पर पांच, ये चार, ये तीन और ये दो, यही तरीका आपने किया था, पांच में से चार वस्तुओं का चयन, चार वस्तुओं कर रहे हैं, चार रख रहे हैं, तो ऐसा ही ये आर होगा जितना चयन कर रहे हैं, तो अन्य वस्तुओं में से आर वस्तुओं का चयन, फॉर्मूला होगा एनपीआर, और एनपीआर के बराबर क्या होता है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल एन और नीचे फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, अब देखो ये इस क्वेश्चन के लिए, यानी पांच में से चार का चयन आपको करना है, चार का चयन, तो अन्य की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, पांच, आर की वैल्यू कितनी है, चार, तो देखो क्या हो गया, पांच पी चार, पांच पी चार, देखो आप ऐसा लिखोगे इसे फैक्टोरियल पांच, नीचे फैक्टोरियल पांच में से चार आप घटाओगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहां पर फैक्टोरियल एक की वैल्यू वन ही होगी, बच गया आपके पास फैक्टोरियल पांच, और फैक्टोरियल पांच की वैल्यू कितनी होती है, देखो क्या होती है फैक्टोरियल पांच की वैल्यू, बराबर पांच इंटू चार इंटू तीन इंटू दो इंटू एक, तो ये देखो ये भी ऊपर वाला 120 आया है, ये भी 120 आया है,
रेखीय क्रमचय के अंदर, समझे क्या बात को? यानी जितनी आपको वस्तुएं दे रखी है उनमें से आर वस्तुओं का चयन कर रहे हैं तो आप रेखीय क्रम से कर सकते हैं एन पी आर, और इसका फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। जैसे आपको और एग्जांपल दे दें कि छह वस्तुओं में से आपको तीन वस्तुओं का चयन करना है तो कैसे करोगे? फैक्टोरियल छह, सूत्र है ना ये याद रखना, ये फैक्टोरियल छह अपॉन छह माइनस तीन, तो यहां पर ऊपर आ गया फैक्टोरियल छह, नीचे कितना बच गया फैक्टोरियल तीन। अब दोनों की वैल्यू रखनी है, ऊपर क्या लिखोगे छह पांच चार, और आगे क्या आएगा इंटू फैक्टोरियल तीन, नीचे भी फैक्टोरियल तीन है, फैक्टोरियल तीन से फैक्टोरियल तीन कैंसिल, छह पांच तीस, तीस ओके 120। अब इसका एक शॉर्ट तरीका बता दूं फैक्टोरियल निकालने का, एक शॉर्ट तरीका बता दूं क्या? तो देखो क्या होगा, आपने अभी किया ये छह पी थ्री, तो देखो ऊपर लिख दो बस केवल मात्र इतना, यानी छह का तीन तक प्रसार करना है, कैसे? तीन पदों तक, छह पांच चार, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा कितना, छह पांच तीस 120, 120 यहीं पर आया था, 120 यहीं पर। अगर आपको कह दे सात पी फोर तो कैसे, सात का चार पदों तक, सात का चार पदों तक, चार पद मतलब सात छह पांच और चार, ये कितने हो गए चार पद ना, चार पदों तक। अगर आपसे कह दे पांच पी टू, यानी पी का दो पदों तक प्रसार करना है, देखो पांच इंटू चार बीस आंसर आएगा, क्या है? वैसे आप निकालते हैं तो बीस आता है क्या? क्या फॉर्मूला था? ऊपर एन फैक्टोरियल पांच, नीचे पांच में से दो घटाने हैं, दो घटाओ तीन बच गया फैक्टोरियल तीन, तो ये देखो सोल्व करोगे पांच हो गए चार और फैक्टोरियल तीन, और यहां पर फैक्टोरियल तीन, फैक्टोरियल तीन से फैक्टोरियल तीन बीस, और ये भी बीस। तो आप ऐसा भी इसे लिख सकते हैं, यानी जहां तक ये जा रहा है सात भी चार है, तो इन्हें चार पदों तक इसका नीचे की ओर प्रसार कर दो, तो जो आपका क्रमचय का रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो दूसरा, ये तो हो गया कि आपको अन्य वस्तुएं दी हैं और उनमें से आर वस्तुओं का आप चयन कर रहे हैं, अन्य वस्तुओं में से आर वस्तुओं का चयन कर रहे हैं। अब मैं कह दूं अन्य वस्तुओं में से अन्य वस्तुओं का चयन, जितनी आपने वस्तुएं ली हैं उतनी ही वस्तुओं का चयन, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था रोज वाला, अभी मैंने शुरुआत की थी उसमें आपको रोज का एग्जाम्पल दिया था ना, रोज, रोज का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, तो रोज वाले एग्जाम्पल के अंदर कितनी संभावना है, यानी चार वस्तुएं लेनी है और चार अक्षर वाले ही, यानी चार वस्तुएं हैं और चार अक्षरों वाले शब्द आपको निर्माण करने हैं, यानी चार बक्स यहां पर बनाओगे, तो पहला कितने में से आएगा, चार में से, दूसरा तीन, दूसरा दो और आगे वाला एक। तो देखो एन वस्तुओं में से अन्य वस्तुओं का चयन, अन्य वस्तुओं में से अन्य वस्तुओं का चयन, यानी फॉर्मूला क्या हो गया एन पी एन, ऊपर क्या आएगा फैक्टोरियल एन, नीचे फैक्टोरियल एन माइनस का एन, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन होगी, तो ये कितना प्राप्त हो गया फैक्टोरियल एन, जितना अन्य देर का है, देखो अन्य वस्तुओं में से आप अन्य वस्तुएं ही ले रहे हैं, तो जितना आपको अन्य देर का है, जो अन की वैल्यू आपको देर की है उसी का फैक्टोरियल आपका आंसर होगा। अब देखो रोज वाले आपने किया, तो देखो यहां से चार में से चार वस्तुएं, चार पी फोर, तो कितना आ गया फैक्टोरियल चार, और यही तो है फैक्टोरियल चार, चार तीन दो एक, चौबीस आंसर आ गया। धीरे धीरे एक एक चीज सुनते जाओ और इनकी देखना, ये चीजें भूल सकते हैं आप, तो इनकी प्रैक्टिस करो, जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करो। यहां पर भी देखो मैं पूरा फोकस मेरा प्रैक्टिस पर है, प्रैक्टिस करूँगा, खूब प्रैक्टिस करेंगे अपन, तब जाकर ये टॉपिक क्लियर होगा, एक दो बताने से नहीं होगा। जितनी भी अब देखो ये किया है तो हमने दो दो तीन तीन एग्जांपल साथ साथ करे हैं ना, तो ऐसे प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज़ें संभव होगी, है ना। लिख लो इसको, अब देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन लिखेंगे अब बहुत सारे अपन, खूब प्रैक्टिस करेंगे, और क्लासेस अब आपको बड़ी बड़ी क्लासेस मिलेंगी, 40-40 मिनट, 45-45, 50-50 मिनट की क्लासेस, पहले हम आधे आधे घंटे की क्लासेस ला रहे थे, अब बड़ी बड़ी क्लासेस आएंगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं,
क्वेश्चन है कि एक से नौ तक के अंकों से एक से नौ तक के अंकों से कितनी चार अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कितनी चार अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं? नंबर एक कंडीशन है जब पुनरावृत्ति की अनुमति न हो, यानी आप अक्सर दोहरा नहीं सकते, पुनरावृत्ति की अनुमति न हो। तो देखो, पुनरावृत्ति आपको नहीं करनी है अक्षरों की, तो आप कैसे कर सकते हैं? एक से नौ तक के अंकों से, तो यानी एक दो, कितने अक्षर हैं टोटल? नौ ना, और उनमें से कितनी चार अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं? चार अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं, यानी ना। अब देखो, आपको आर की वैल्यू दे दी, एन की वैल्यू नौ है, नौ में से आपको कितनी वस्तु चयन करनी है? चार। तो आप फॉर्मूला हो गया 9p4, और आप इसको ओपन कर सकते हैं कि फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल कहां तक है? 9 में से 4 घटाओगे, फैक्टोरियल 5। और मैंने इसका डायरेक्ट आपको बताया था कि देखो 4 तक आप प्रसार कर दो इसका, तो क्या होगा? 9, 8, 7 और 6। तो इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो लगभग आपके पास यहां पर सॉल्यूशन कर लो 3024 आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं कह दूं कि पुनरावृत्ति की अनुमति हो, पुनरावृत्ति की अनुमति है, यानी आप अक्सर दोहरा सकते हैं। तो देखो, एक फॉर्मूला है कि n की पावर r, इस रूप में आप पुनरावृत्ति कर सकते हो, यानी n की पावर r। देखो, वैसे भी आपको मैंने बता दिया कि आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो देखो 9 अंक है और चार बार पुनरावृत्ति, तो चारों में आप ऐसा करोगे ना, चारों में पुनरावृत्ति है तो चारों में ही 9 अक्षर आप ले सकते हैं। तो ये आप रिजल्ट निकाल लो, या फिर n की पावर r, n की पावर यानी 9 की पावर 4। तो ये बात तो है कि 9 9 9 9, यानी जितना भी रिजल्ट आए 729 को 9 से गुणा करवा लो, 9 81, 9 2 18 और 6 24 2 26, 9 7 63 और 2 65, 6561 आपका आंसर आ जाएगा। जब आपको पुनरावृत्ति की अनुमति दे 6561 और न दे, तो 3024 ही आपके अक्षर आए थे, ठीक है। अगर आपको कह दे नंबर शब्द, एक आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दे दिया आपको नंबर शब्द के अक्षरों से, शब्द के अक्षरों से तीन आपको अक्षर बनाने हैं, तीन अक्षरों वाले कितने शब्द बना सकते हैं? अक्षरों वाले कितने शब्द बनेंगे, यानी नंबर शब्द है तो सबसे पहले काउंटिंग करना है, 1 2 3 4 5 6। अभी इसमें देखना, और भी चीजें बताऊंगा। अभी देखो, अब तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं उसमें अक्षर आपके समान नहीं है कोई भी। देखो, अम एक बार ही आया है, बी एक बार ही आया है, दो दो बार आ जाए तो आपको क्या करना है वो भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये देखो। तो नंबर शब्द है तो इसमें 6 अक्षर हैं और 3 अक्षरों का चयन करना है, यानी 6 आपको दे रखी है और 6p3, और यानी इसका आंसर क्या होगा? 3 पदों तक आपको 6 का प्रसार करना है, 6 5 4, 5 20, 20 छिके आपके पास कितना हो गया? 6 2 12, और यहां पर 20 छिके 120 ना, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, अगर आपको दे दें मोबाइल शब्द, नेक्स्ट दे दिया मोबाइल के अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं? देखो, डायरेक्ट दिया है शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं। अब ऐसा नहीं कहा कि तीन अंकों के, तीन अक्षरों वाले अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं, अब डायरेक्ट कहा है कि मोबाइल शब्द दे दिया और इसके कितने शब्द आप बना सकते हैं इससे, तो यानी अन वस्तुओं में से अन का ही चयन करना है इस बार, यानी जितने अक्षर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, तो यानी 6 अक्षर वाले ही आपको इसके अंदर बनाने हैं,
छह अक्षर वाले ही बनाने हैं, तो छह अक्षर वाले आप कैसे बना सकते हो? डायरेक्ट देखो एनपीएन आपको सूत्र पता है कि अन में से अन वस्तुओं का चयन, तो यानी छह में से छह का, और ये इसके बराबर क्या आता है? फैक्टोरियल छह, और फैक्टोरियल छह की वैल्यू 720। ठीक है, अब क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछ सकता है, क्वेश्चन दे दिया आपको कि एक दो तीन चार पांच, क्वेश्चन है एक दो तीन चार पांच संख्याओं के रूप में दे रहा हूं, से कितनी संख्या बन सकती है, कितनी संख्या, यानी अब आपको ऐसा नहीं कहा कि तीन अंकों के वाले बनना हो, यानी टोटल है पांच में से पांच का ही चयन करना है, तो ये किसके इक्वल होता है? फैक्टोरियल पांच, यानी 120 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें इसी क्वेश्चन में कह दें कि एक दो तीन चार पांच ये दे दिया, और चार अंकों की पूछ ली, चार अंकों की कितनी संख्या बन सकती है, चार अंकों की संख्या पूछ ली, तो चार अंकों की कितनी बनेगी? देखो पांच वस्तुएं हैं, पांच पी फोर, चार का चयन करना है, और चार पदों तक इसका प्रसार है ना, चार तक ही करोगे, चार पदों तक इसका प्रसार करना है, पांच चार तीन दो, तो यानी 120। समझ गए बात को क्या? तो ये है आपका, अब तक हमने यही पढ़ा है कि जिसमें क्रमचय, रेखीय क्रमचय हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद वृत्ताकार पढ़ेंगे, लेकिन रेखीय क्रमचय के अंदर इतना ही पढ़ा है कि जिसके अंदर अक्षर आपके दोहराए न जाए, यानी जो अक्षर आपने लिया है हम आपके पास था, तो हम इसके अंदर एक ही आया है, बी लिया तो बी एक ही आया है, लेकिन अब जो आगे टॉपिक आएगा उसके अंदर आपको ऐसा मिल जाए, ऐसा शब्द मिल गया रूट। अब देखो इसमें दो अक्षर आपके आ गए, दो ओ समान ओ आ गए, समान ओ आ गए, समान ओ आ गए ना, दो ओ समान आ गए, तो देखो जितने समान आएंगे उतने ही अक्षर कम बनेंगे, जितने समान आए हैं उतने ही कम बनेंगे। अब देखो वैसे आप निकालो तो फैक्टोरियल चार इसका आ गया, यानी चार शब्दों वाले निकालो तो फैक्टोरियल चार, अनमिशन वस्तुओं का चयन कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके अंदर ऐसे शब्द आएंगे? अब देखो रूट है, रूट के बाद अगर आप ओ वन, एक बार इसको ओ वन मान लेते हैं, इसको ओ टू मान लेते हैं, अब देखो मैं इसका क्रम ऐसे बदलता हूं, ओ टू ओ वन टी, तो क्या ये बात तो रूट ही है, दोनों ओ समान है, यानी इस वाले ओ को इधर ले आए तो फर्क नहीं पड़ता ना कुछ भी, तो अक्षर तो एक ही है, तो ये अक्षर सेम ही बन रहे हैं, तो सेम अक्षर थोड़ा ना काउंट करेंगे, तो जितने बनते हैं, जितने अक्षर आपके समान आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, तो फैक्टोरियल दो का नीचे आपको भाग देना पड़ेगा, फिर कितने बन गए? देखो चार तीन दो एक, और नीचे दो का भाग, फैक्टोरियल दो का मतलब दो, तो यानी 12 ही अक्षर बनेंगे, पहले 24 बन रहे थे, देखो अब दो समान बन रहे हैं, इतने आधे से ज्यादा समान बनेंगे, जितने दो ओ हैं तो दो का आपने भाग दे दिया, फैक्टोरियल में भाग देना है फैक्टोरियल दो का, अगर यहाँ पर तीन ओ आ जाते तो फैक्टोरियल तीन का भाग देते, फैक्टोरियल तीन का अर्थ क्या होता है? छः, तीन दो, यानी तीन दुए छः, तो छः का आप भाग दोगे, यहाँ पर छः का भाग दोगे तो देखो यहाँ से तीन दुए और दो, यानी चार ही शब्द बनते, यानी जितने अक्षर आपके अब समान आते जाएंगे उतने ही शब्द कम बनेंगे। अब और भी आपके पास एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे इलाहाबाद, इलाहाबाद, अब देखो इलाहाबाद के अंदर कितने अक्षर समान आ रहे हैं? एक ए, दो ए, तीन ए आ रहे हैं, चार ए आ रहे हैं, चार ए हैं, दो अल हैं, दो अल हैं, और कुछ समान है क्या इसके अंदर? बस इतने ही हैं, तो टोटल शब्द कितने? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, टोटल नौ है। अगर कोई भी समान नहीं होता तो टोटल आप कह सकते थे कि फैक्टोरियल नौ बन जाएंगे, लेकिन इसमें से समान देखो कितने हैं? चार और दो, ये दो समान आ गए, तो यानी फैक्टोरियल चार, चार ए है और फैक्टोरियल दो, इसका भाग दोगे फिर आपका रिजल्ट बनेगा। तो इसके बारे में और जानकारी पूरे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के करेंगे, क्योंकि अब लगभग 50 मिनट हो गई हमारी क्लासेस को, अब जो आगे चीज़ें आएगी वो हम इसमें नेक्स्ट क्लास के अंदर ऐड करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी अब चीज़ें आएगी, आगे प्रतिबंधित क्रमचय आएगा, यानी आपको ऐसा भी कहेगा कि हाँ दो ए आपको साथ रहने चाहिए, दो ए साथ रहेंगे तो क्या बनेगा, तो ये भी आपको आगे मिलने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होगी, जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, अब क्लासेस आपके लिए बड़ी बड़ी भी आ रही हैं, 50-50 मिनट की क्लासेस मैं कर रहा हूँ, और दो क्लासेस आ रही हैं, किसी को नहीं पता तो एक सुबह क्लास आती है, एक आपकी शाम को क्लास आती है, तो दोनों क्लासेस अटेंड किया करो, और आपको प्लेलिस्ट भी यहाँ पर मिल जाएगी, वीडियो के एंड में देखोगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी, तो वो ओपन कर लेना।
फ्रेंड दो दो क्लासेस आपको रोजाना मिल रही हैं, टेस्ट सीरीज चल रही हैं, नोट्स इसको टेलीग्राम पर मिल रहे हैं, तो सब कुछ हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। वो देखो कितना बेहतरीन कॉन्टेंट हम आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं, शायद ऐसा आपको ऑफलाइन कोचिंग वगैरह में इतना मैटर आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको पढ़ना है, यहाँ पर बस पढ़ते रहिए और थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया करें, ताकि हम ऐसे ही मोटिवेट रहकर आपको और भी एनर्जी के साथ हम पढ़ाते रहें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप शेयर करेंगे, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, वहाँ पर थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो। ठीक है, आज की इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।